बिहार के दशरथ मांझी का नाम इंसानी जज्बे, जुनून और प्रेम की मिसाल है। वो दीवानगी जो प्रेम की खातिर जिद में बदली और तब तक चैन से नहीं बैठी जब तक कि पहाड़ का सीना ना चीर दिया हो। वैलेंटाइंस डे के दिन दशरथ मांझी का जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। बिहार में गया के गहलोर गांव में दशरथ मांझी के माउंटेन मैन बनने का सफर उनकी पत्नी का जिक्र किए बिना अधूरा है। गहलोर और अस्पताल के बीच खड़े पहाड़ की वजह से साल 1959 में उनकी बीवी फाल्गुनी देवी को वक्त पर इलाज नहीं मिल सका और वो चल बसी। यही से शुरू हुआ दशरथ मांझी का इंतकाम। माउंटेन मैन बनने की उपाधि पाने वाले दशरथ मांझी ने प्यार की जो इबारत लिखी है उसकी मिसाल दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलती। भले ही शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल के लिए नायाब ताजमहल बनवाया हो, लेकिन गया के गहलोर घाटी में दशरथ मांझी ने अपनी पत्नी की याद में 22 वर्षों तक छेनी हथौड़े से पहाड़ काटकर जो सुगम रास्ता बनाया वो मोहब्बत की एक अनोखी मिसाल है। प्यार की इससे बड़ी मिसाल कहीं और देखने को नहीं मिलती। भले ही दशरथ मांझी आज इस दुनिया में नहीं रहे, मगर इस सुगम रास्ते पर चलने वाले लोग उन्हें आज भी याद करते हैं। यहाँ पे हम लोग घूमने के आए हैं, जैसे शाहजहाँ ने अपने ताजमहल बनाया वैसे ही दशरथ मांझी ने पहाड़ काट के, वो भी प्यार का दर्शाए हैं एक तरह से, तो ये भी एक वैलेंटाइन डे ही है। और वैलेंटाइन डे को लोगों को लगता है कि ये गलत मतलब निकालते, तो इसका गलत मतलब लोग ना निकाले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि प्यार के लिए लोग बहुत संघर्ष करते हैं। और युवाओं को इतना समझना चाहिए कि जब दशरथ मांझी ने पहाड़ काट के अपनी बीवी के लिए वो रास्ता बनाए कि मेरी बीवी पहाड़ पर ना चढ़े, पानी उनका घड़ा टूट गया, तो आजकल के युवाओं के लिए भी यही कहना है कि वो भी ऐसे ही अपने प्यार के लिए करें। दशरथ मांझी की पत्नी उनके लिए गहलोर पहाड़ी पर खाना लेकर आ रही थी, उसी क्रम में उनका पैर फिसला और वे जख्मी हो गई। काफी दिनों तक इलाज चला लेकिन उनकी मौत हो गई। पत्नी की याद में दशरथ मांझी ने पहाड़ को काटकर रास्ता बनाने का निर्णय लिया। 22 वर्षों तक छेनी हथौड़े से उन्होंने पहाड़ को काटा और एक सुगम रास्ता बना दिया, जिससे कई गांवों की दूरी मात्र किलोमीटर में सिमट कर रह गई। मोहब्बत और जज्बे की इतनी बड़ी मिसाल दुनिया में देखने को कहीं नहीं मिलती। आज वैलेंटाइंस डे के दिन लोग दूर दूर से गहलोर घाटी घूमने आते हैं और दशरथ मांझी के उनकी पत्नी के प्रति प्रेम और जज्बे को याद करते हैं। यहाँ गहलोर घाटी में घूमने आए हैं और हमने यहाँ दशरथ मांझी जी का एक मतलब मूर्ति जो अभी स्थापित किया गया है पिछले बार, वो हम देखे हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, और हमें जो ऐसा देख के प्रतीत होता है कि जो आजकल युवा वैलेंटाइन डे मना रहे हैं उस हिसाब से वो एक प्रकार का बहुत ही जो होना चाहिए वो नहीं, मतलब कि वैलेंटाइन डे उस तरह का प्रतीक नहीं है। ये जो वैलेंटाइन डे का असली प्रतीक है वो दशरथ मांझी जी का है, जो अपने वाइफ के लिए उतना उन्होंने संघर्ष किया, पूरे गहलोर घाटी को काट पहाड़ को काट कर एक रास्ता बनाया, और वो एक सच्ची प्यार की निशानी है। आज ये जो युवा युवतियाँ जो फेक वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वो इस तरह का जो सच्ची प्यार की निशानी है जैसे दशरथ मांझी ने अपने वाइफ के लिए किया, वो इस तरह का कोई इतिहास में ऐसा दर्ज किया जाए, ना कि कोई फेक आजकल जो वैलेंटाइन डे मना रहा है। जैसे हमारे दशरथ मांझी जी ने बहुत ही संघर्ष और कठिन मेहनत करके गहलोर घाटी का रास्ता काट के बनाया, वो एक प्यार की सच्ची निशानी है। यहाँ का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। उनके बेटे भागीरथ मांझी का कहना है कि ग्रामीण वहाँ के जो निवासी हैं शुरुआत में उन्हें पागल कहने लगे थे, लेकिन जब उन्होंने सालों तक पहाड़ को काट कर रास्ते का रूप दे दिया तो सरकार ने भी उनकी तारीफ की और मुख्यमंत्री ने अपने पास बुलाकर उन्हें अपनी गद्दी पर बिठाया और सम्मान दिया। जो पहले गरीबी था, हमारे पिताजी ने जंगल से लकड़ी काट कर बेच के बाजार में बाल बच्चे के खिलाते हैं, है ना?
तो हमारे बाबू जी जंगल गया था और हमारे जो माई है जो खाना लेके जा रहा था पहाड़ था दरार, उसी में घाड़ा टकरा कर फूट गया और खाना भी गिर गया। तो हमारे बाबू जी आ कर के देखा तो खाना भी गिरल है, चोट भी लग गया। उसी वजह से देख कर के उसका मन रिसिया गया। रिसियाने के बाद में से कहा कि साला पहाड़े रहेगा, तीन युग बीत गया, बाकी रास्ता को फरसाने वाला बनाने वाला कोई नहीं। तो हमारा जिद हो गया कि हमारा पत्नी घड़ा फूटा ये रास्ता को बना देंगे। तो उजरगन से हथौड़ी छेनी ला करके पहाड़ में काम करने लगा। सब कोई कहा कि पागल हो गया, हम भी कहा, हमारे घर के समांग भी कहा कि पागल हो गया, मजदूरी करता बाल बच्चे के पोसता, पथला में लगल रहता है पहाड़िया में काम। तो कहा कि हम तो पागल हो ही गया, बाकी संसार के पागल बना देंगे। 22 साल लगा। 22 साल के बाद में हमारे पिताजी नीतीश कुमार से भेंट करे गया। तो नीतीश कुमार से भेंट करे 8 दिन लिट्टी खाया, तो वहाँ के गाटमैन ने नहीं भेंट करने दिया। तो एक बाजार से हथौड़ा लाया, ई गेट से वो गेट तोड़ने लगा। तब कहा सिपाही लोग कि ये वो साधु आया, ऐसा साधु है कि देखिए ई गेट में ढाई ढाई मार रहा। तो नीतीश कुमार बोला कि उसको बोला के लाइए। नीतीश कुमार से भेंट किया, भेंट कैला के बाद में फिर नीतीश कुमार ने इसका समर्थन किया। साल 1960 से 1982 के बीच दिन रात दशरथ मांझी के दिलो दिमाग में एक ही चीज ने कब्जा कर रखा था, पहाड़ से अपनी पत्नी की मौत का बदला लेना। और 22 साल जारी रहे वो जुनून ने अपना नतीजा दिखाया और पहाड़ ने मांझी से हार मानकर 360 फुट लंबा, 25 फुट गहरा और 30 फुट चौड़ा रास्ता दे दिया। दशरथ मांझी के गहलोर पहाड़ का सीना चीरने से गया के अतरी और वजीरगंज ब्लॉक का फासला 80 किलोमीटर से घटकर 30 किलोमीटर रह गया। केतन मेहता ने उन्हें गरीबों का शाहजहां करार दिया। साल 2007 में जब 73 बरस की उम्र में वो दुनिया छोड़ गए तो पीछे रह गई पहाड़ पर लिखी उनकी वो कहानी जो आने वाली कई पीढ़ियों को सबक सिखाती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव सिटीज़।